बच्चों मैं तुहानूं जिद्दां कि आ भी तुहाडे हुण पेपर ऑफलाइन होने आ, मैं तुहानूं पैटर्न दसदा इंग्लिश सबजैक्ट दा। ते पैटर्न दोनों क्लासां लई आ, प्लस वन ते प्लस टू दोनों लई। क्वेश्चन पेपर दा किद्दां दा पैटर्न होगा, किहड़े सबजैक्ट दा, पहलों मैं दस दिंदा इंग्लिश दा। ये केड़ी केड़ी क्लास लई आ, प्लस वन ते प्लस टू दोनों क्लासिस लई आ। ठीक है, तुहानू किन्ने नंबर का पेपर आना जी? 65 का मैक्सिमम मार्क्स होणगे 65। पहलो प्लस टू वाले सुन लियो। चलो पैटर्न तो सेम ही है, सिलेबस फिर मैं वक्रा वक्रा दस दिना। 65 का जिदे किन्ने पार्ट हो सकते? मेरे ख्याल पांच पार्ट होणगे, मैं कवर करदा नाल नाल, वेखदे किन्ने बनदे। पार्ट ए, पार्ट ए पार्ट फस्ट ही लिख लें। पार्ट फस्ट हैगा जी जिहदे च ऑबजैक्टिव टाइप क्वेश्चन होणगे, ऑबजैक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑबजैक्टिव टाइप क्वेश्चन जिमें डू एज डायरैक्टिड, जिस डिटरमीनर हो सकते हैं, वॉइस नरेशन, यहोजियां चीज़ां होणगियां। ये होना जी 8 नंबर का, एक एक नंबर का हर एक चीज़ होनी। 8 × 1 8 मार्क्स का ही कवर हो जाना। ठीक है, इहदे विच ट्रांस एग्जाम्पल दे रूप च ट्रांसलेशन हो सकदी, ट्रांसलेशन हो सकदी आ, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकदी आ। चैप्टर्स विचों कुछ पुछिया होगा, पोइट दा नाम, राइटर दा नाम, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकदी आ। होर हो सकदा जिवें ट्रू फॉल्स हो सकदे, वॉइस नरेशन हो सकदी, इहो जिहियां चीज़ां होणगियां। ठीक है, पार्ट फस्ट अपना कवर हो गया। फिर पार्ट सैकेंड आ जाता रीडिंग स्किल्स। पार्ट सैकेंड रीडिंग स्किल्स ये टोटल होना जी 10 नंबर का, 10 मार्क्स का। तो ये केड़ा केड़ा आऊगी चीज़ा? एक तो ये आ जाना पैसेज, अनसीन पैसेज। ठीक है, तुहाडे बुक के चैप्टर चो नहीं होना, कितों भी आ सकता, अनसीन पैसेज होगा। भी तुम पैसेज पढ़ना तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, ये टोटल 6 मार्क्स का होगा। 6 क्वेश्चन होने एक एक नंबर के, जब 5 हो सकते क्वेश्चन, 6 ही होणगे, 6 क्वेश्चन होणगे एक एक नंबर के। बाद दे विच आ जाना वा जिद्दां जिस तरह आजूगा पोईम स्टैंजा जिहड़ा हुंदा, स्टैंजा पोईम दे विच्चों, ये 4 मार्क्स का होगा। ये 4 क्वेश्चन होणगे। तो फिर पोईम का ते पोइट का नाम जरूर याद रख लियो। ये तो अपनी रीडिंग स्किल्स हो जाणियां। उस तो बाद आ गई राइटिंग स्किल्स, पार्ट थर्ड राइटिंग। ये सब तो पहली चीज़ आप तुहानूं लभूगी प्रेसी। प्रेसी जिद्दां वड्डा जिहा पैरा होगा, उन्हूं छोटा तुसीं मीनिंगफुल बनाउणा होगा, तो उहदा कोई ना कोई टाइटल देना होगा। प्रेस जिहड़ा राइटिंग स्किल्स है ना, 14 मार्क्स के होणगे टोटल, 14 मार्क्स के। तो प्रेसी होनी 5 नंबर की, 5 मार्क्स की। प्रेसी तो बाद आ जाना एक एप्लीकेशन ते एक लैटर, चॉइस होगी, जां ते तुसीं लैटर कर लियो जां कर लियो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ए होना 6 मार्क्स का, 6 ते 5 11 हो गए, 3 रह गए। 3 नंबर का जिहड़ा वा उहदे च आ जाना जां हैडलाइन जां ईमेल, हैडलाइन ते जां होनी ईमेल, दोनों चॉइस होनी। ए होना जे 3 मार्क्स का, टोटल 14 मार्क्स हो गए। फिर आ गया पार्ट फोर साडा हैगा वा ग्रामर। एक किन्ने नंबर का होना? 10 नंबर का, 10 मार्क्स का टोटल, 10 मार्क्स का। ये ट्रांसलेशन होनी, डू एज डायरेक्टिड होगा। ट्रांसलेशन शुरू वाले च भी हो सकती, इच भी आ जानी ट्रांसलेशन, डू एज डायरेक्टिड। ठीक है, यहोजियां चीज़ा टोटल 10 नंबर इन्हें कवर कर जाने। डू एज डायरेक्टिड 8 नंबर का होना, ट्रांसलेशन 2 नंबर की आऊगी। लास्ट पार्ट आ पार्ट फिफ्थ लिटरेचर।
ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੋਣਾ ਜੀ 23 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋਣਾ ਟੋਟਲ 23 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਪੋਈਮ ਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਪੋਈਮ ਦਾ, ਦੋ ਪੋਈਮਸ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ 40 ਤੋਂ 50 ਵਰਡ ਦੇ, 40-50 ਵਰਡਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ 'ਚੋਂ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ 3, ਦੋ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ, 6 ਨੰਬਰ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ 40-50 ਵਰਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ 2, 4 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਅਤੇ 11 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਜੇ 100-120 ਵਰਡਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਟੈਂਸਿਵ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਹੋਣਾ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਜੇ 100-120 ਵਰਡਸ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ 'ਚੋਂ, ਲੌਂਗ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ 65 ਮਾਰਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਲੱਸ 1 ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਕਲਾਸ ਦੋਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਲਿਖਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।